Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Sita Gaurav Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, 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 ओम ज्ञानतिमिरां तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपे सह गोपिका गंत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदावे तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम परिगुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात परिशिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजथ प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेना चाह रहे थे। जब ये खबर को भक्त लोगों ने श्रवण किया बड़े दुखी हुए। अब विशेष करके गदाधर पंडित जब सुना वो तो बहुत ही दुखी हुए। क्यों? गदाधर कौन है यदि ये श्रीमती राधा रानी। हर समय राधा रानी कृष्ण को
ज्यादा से ज्यादा सेवा कराने चाहती है, क्योंकि कृष्णा सख्यात जगन्नाथ जगतपति है, उनके लिए थोड़ी सन्यासी है, सन्यासी तो जीवों के लिए, सन्यासी जीवों के लिए सन्यासी, भगवान के लिए थोड़ी सन्यासी है। इसलिए गदाधर पंडित ने बोले, क्या घर में रहकर भजन नहीं हो सकता है, क्या जरूरत है सन्यास लेने का। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कहते घर में अगर प्रतिकूल अवस्था है, है भजन का अनुकूल नहीं, इसलिए कहते जिनके प्रिय ना राम वैदे जी तेजी कोटि बैरी समझी परम सने। कहते घर में अगर प्रतिकूल अवस्था भजन करने का, क्या करनी चाहिए, घर को परित्याग करते हुए भगवान की भक्ति के लिए जानी चाहिए, और घर में रह करके भजन करना बड़ा कठिन। इसलिए बोल दिया एकावन और बावन, एकावन और बावन। इसलिए जीव का जो परम कर्तव्य है क्या है, भगवान की भक्ति करना। इसलिए 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, बताओ अभी क्या करो। 25 साल जब गृहस्थ धर्म ब्रह्मचर्य में रहता है, गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, फिर क्या करोगे अभी, क्या समझा, तेरी समझ में क्या है। अभी जिसने समझ लिया ये जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भजन के लिए और किसी काम के लिए नहीं, वो कहते थे गुरु जी आपका श्री चरण में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हुए जीवन को हम धन्य कर लेना चाहते। अरे वो गुरु जी का आश्रम में रह करके गुरु जी की सेवा करते हुए भजन कर लेते। लेकिन जो ये काम को संभाल नहीं सकते हैं, उसके लिए बोलते हैं जाओ अपना वर्ण कुल जाति के अनुरूप शादी करो, लेकिन कितना दिन के लिए, 50 साल, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए 51 52 54 गर्भ नहीं रहना, छोड़ करके फिर भजन के लिए आना है, भजन के लिए फिर आना। इसलिए यहाँ पर ये कहते हैं महाप्रभु जो संन्यास लिया, यहाँ प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया है, कारण किया है। कहते जगत में कुछ लोग तो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए लोग को पता नहीं। इसलिए बोले साधु पावा बड़ कष्ट जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आइला दतिया। महाप्रभु ने देखा जीव तो भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, साधु सन्यासी बनते हैं, लेकिन सन्यासी का धर्म कैसे, सन्यासी का धर्म कैसे जीवन में जाजन करनी चाहिए, ये चीज को दिखाने के लिए भगवान स्वयं कृष्ण स्वयं क्या किए, साधु रूप में स्वयं भगवान आए और एक आदर्श रूप में साधु जीवन को बिताते हुए दिखाया कैसे कृष्ण प्रेम में हमें डूबनी चाहिए। ये आदर्श को दिखाने के लिए भगवान स्वयं उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया। और शिक्षा देते हैं जब तक तो कोई सन्यास नहीं बनेंगे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकता। सन्यास मतलब क्या है, सम्यक रूप में संसार का आसक्तियों को बंधन को खत्म करते हुए काय मन और वाक्य ये तीनों को दंडित करके क्या करो, भगवान की सेवा में इसको लगाना ही ये सन्यास है। इसलिए घर में कोशिश करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, पूरा परिवार को अनुकूल रूप में, पूरा परिवार को भक्ति की अनुकूल में लगानी चाहिए, ठीक है ना। लगा करके पत्नी बच्चे परिवार को एक है, जब हम गृहस्थ धर्म में हैं सबको भगवान की भक्ति में सबको लगाओ, सबके सब हरिनाम करो, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, घर में ठाकुर जी का आरती हो, घर में कीर्तन हो, घर में जो कुछ खाए भगवान को भोग लगा करके घर में खाए हैं, और मांस मछली अंडा प्याज लहसुन इसको पूरा के पूरा त्याग दे हैं, त्याग दे करके पूरा भक्ति की अनुकूल परिवार को पूरा के पूरा भक्ति की अनुकूल कर बना करके क्या करनी चाहिए, भगवान की भक्ति में सबको लगानी चाहिए। तभी तो हम जो इतना कष्ट करके पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा करके बीवी बच्चों को पालन कर रहे हैं, जब पूरा परिवार भगवान की भजन में लग जाए फिर तो ये ठीक है। अगर भक्ति के प्रतिकूल है, भजन से कोई संसार में मतलब नहीं, केवल खाओ पियो और जीवन को बिता दो, सब कुछ बेकार है। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं
एक साधु का आदर्श को दिखाने के लिए इसलिए भगवान क्या करना पड़ा, साधु रूप धारण करना पड़ा। इसलिए और एक साधु को कैसे भजन साधन करनी चाहिए, और एक पुरी में गंभीरा में महाप्रभु रहे हैं, कैसे गंभीरा में छोटी सी घर में रह करके कैसे महाप्रभु दिन रात कृष्ण प्रेम में सारा दिन राधा जी की भाव में कैसे यहाँ पर डूबे रहते थे, और 24 घंटा में 26 घंटा कैसे भगवान की भक्ति में कैसे महाप्रभु कैसे अपना जीवन को लगाए। जब भक्त लोगों ने दुखी हो गए, महाप्रभु संन्यास लेकर के जाएंगे तो अरे महाप्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम किया है सन्यासियों का गांव में नहीं रहनी चाहिए, गांव से दूर चली जानी चाहिए है, क्योंकि गांव में रहकर फिर भगवान की भक्ति होना बड़ा कठिन है, होना बड़ा कठिन है। इसलिए महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी में आएंगे महाप्रभु, अभी भक्त लोग बड़े दुखी हो गए। जब दुखी हो गए पर महाप्रभु ने भक्तों को सांत्वना दिया, मतलब देखो बच्चों, इसलिए देखो बच्चों कहते मैं और मेरा दो अवतार होने वाला है, कहते मैं दो अवतार रूप में आऊंगा, दो अवतार किया है, एक में ये अर्चा विग्रह रूप में आऊंगा, दूसरे में नाम रूप, ये कहते ये मेरे दो और अवतार, एक अर्चा विग्रह और एक नाम, ये दो रूप। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग में अभी कुछ अपर संप्रदाय का लोग है, चूंकि महाप्रभु ने बताया था और मेरे दो अवतार होगा, एक विग्रह रूप में अर्चा और एक नाम रूप में, कुछ ऐसे अपर संप्रदाय का लोग है, कहते हमारी गुरु जी भगवान अभी है वो बाल ठाकुर और क्या क्या बंगाल में है, सब नए नए भगवान है, उनको कहते हैं महाप्रभु ने बताया था ना, पर मेरा दो अवतार है, एक अर्चा विग्रह में और एक नाम रूप में, जो महाप्रभु बोला था इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान पर कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद, यहाँ कह रहे हैं और महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो ये बात को कैसे ये लोग कैसे उसको उल्टा रूप में कैसे ग्रहण कर रहे हैं, उसको उल्टा रूप में ग्रहण कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप कैसे है, बोले सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, कहते भगवान का जो शरीर है सत चित और आनंद स्वरूप है, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान का दाढ़ी मोच कभी होता ही नहीं, भगवान कभी मरते नहीं है, भगवान कभी मरते नहीं। इसलिए भगवान राम को देखो, रामायण को देखो, जिस समय भगवान को जाने का समय हुआ, भगवान सरजू नदी में प्रवेश कर रहे, पूरा अयोध्या वासियों को अकेले नहीं गए, पूरा अयोध्या वासी पूरा के पूरा सरजू नदी में स्नान कर रहे, उधर दिव्य विमान आ रहे, सब के सब चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रहे, रथ में बैठ करके दिव्य सांकेत धाम को सब के सब चले गए, भगवत धाम में सबके सब गए। कृष्ण अवतार में भी कृष्ण तकिया के गांव में वहां पर आए, दंत मुकुट को बंद किया, फिर कृष्ण ब्रज में आए और पूरा ब्रजवासियों को साथ में लिया और ले करके पूरा के पूरा सबको लेकर चले गए कृष्ण। इसलिए जब बजरनाभ ने वृंदावन का राजा बना, जब परीक्षित महाराज वहां पर गए, बोले परीक्षित कैसे तुम हो, बोले सब तो ठीक ठाक आपका आशीर्वाद में है, लेकिन मन बड़ा उदास ही है। बोले क्यों, बोले राजा किसके लिए, प्रजाओं के लिए तो राजा है ना, वृंदावन तो सुनी सुनी पड़ी, वृंदावन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कृष्ण जब गए, क्योंकि वहां की जो त्रिणा गुलमा लता बता है वो सबके सब भगवान की भक्त लोग है, वहां पर भगवान जब गए पशु पक्षी कीड़े मकड़ो तक सबको लेकर के भगवान अपना धाम में चले गए, बोले कोई है नहीं, सब फांगा वांगा सब वृंदावन कोई है नहीं, इसलिए राजा किसके लिए है। उन्होंने सांडिल्य ऋषि को बुलाए, बोले आप थोड़ी सी वृंदावन की महिमा बताओ, फिर उन्होंने चिदानंदम सदानंदम वृंदावन की महिमा पर गाई, अतएव है ब्रज भूमि जत्र तत्त्वम सुगोपितम भासते पुर भासते प्रेम पूर्णानाम, इसलिए कद अतएव ब्रज भूमि जत्र तत्त्वम सुगोपितम, अभी भी पूरा ब्रज यहाँ पर है, कोई यहाँ से गए नहीं, लेकिन भासते प्रेम पूर्णानाम, लेकिन वो चीज को कौन समझ सकते हैं, कोई समझ सकते हैं जिनकी प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो मिलो, जो लोग अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन को लगाते हैं
अभी भी वृंदावन में पूर्ण रूप में कृष्ण लीला दर्शन करते, पूर्ण रूप में सनातन गोस्वामी देखा कृष्ण को कहते हुए। जब सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते करते जब पेड़ का छाया में सो गए, कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, कृष्ण उनके जंघ के ऊपर कृष्ण सनातन गोस्वामी के सर को रखे, बलदेव प्रभु उनको छाया की, राधा रानी रूप गोस्वामी के लिए आकर के उन्होंने सनातन गोस्वामी के लिए खीर बना दी, आकर खीर बना कर खिला करके जाती है, श्री राधा रानी श्यामानंद प्रभु उन्होंने राधा रानी की चरण के नुपुर प्राप्त किया, अपने हाथों से उन्होंने राधा रानी की चरण में नुपुर स्वयं पहनाई है। इसलिए हमारे संप्रदाय में तो बुरी बुरी प्रमाण है कृष्ण कैसे भक्त लोगों को दर्शन कैसे दिया, इसलिए अभी भी पूर्ण रूप में विद्यमान है, कृष्ण कहीं गए नहीं, पूर्ण रूप में ब्रज भूमि में कृष्ण विद्यमान है। इसलिए कृष्ण भगवान राम कितने साल तक राजत्व किए, बोले 11,000 साल तक राजत्व किए भगवान राम, लेकिन भगवान कभी बूढ़े हुए, भगवान की कभी दाढ़ी उगा है, भगवान के मोच आया है, भगवान कभी मरे है। इसलिए लोग है ना सब चीज नहीं जानते, इसलिए जिसको तिसको भगवान बोल कर थोड़ी चमत्कार दिखा दिया, हाथ से बहुत टपक रहा है तुलसी पत्ता और गया से है सीमेंट, गया से दूध निकल भगवान, बस दो दिन बाद में जेल में चल जाते भगवान है। इसलिए ईश्वर मूर्ख लोग है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते कुछ लोग कलयुग में ये जो महाप्रभु ने बोले हम दो अवतार ग्रहण करूंगा, इसको निमित्त करते हुए कुछ लोग इसको अपव्यवहार कर रहे हैं भगवान रूप में। कृष्ण 125 साल तक रहे, भगवान का स्वरूप कैसे, नवकिश्वर नटवर, हर समय भगवान नवकिश्वर, 14.5 साल से कोई भगवान पर ज्यादा होती ही नहीं, भगवान कृष्ण कहीं वो पाया है, कहीं भगवान को मोच कर दिखाई पड़ा है, भगवान कृष्ण मरे पूरा धाम समेत लेकर के भगवान जाते। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते तुम लोग कोई चिंता मत करो, मैं और दो अवतार ग्रहण करने वाला हूँ, एक अर्चा विग्रह रूप में और एक में नाम रूप में अवतरण करूंगा, इसलिए कोई चिंता मत किया करो। बोले लोग को शिक्षा निमित्त से अमार संन्यास तुम्हार सब चिंता कर नाश, महापुरु कह रहे हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए, अगर कभी भविष्य में कोई सन्यासी बनेगा, सन्यासी बनने पर उनको कैसे कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस रूप में भक्ति करनी चाहिए, इसको शिक्षा देने के लिए मैं ये सन्यास धर्म ले रहा हूँ, और लोगों को शिक्षा दे करके मैं जाऊँगा जो सन्यासी बनेगा उनका जीवन कैसे होनी चाहिए। इसलिए महाप्रभु दिन रात कैसे कृष्ण प्रेम में, दिन रात कैसे रोते थे कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रेम में रोते थे, और कैसे माया से हमें कैसे दूर रह करके भगवान कैसे भक्ति करनी चाहिए, इसलिए महाप्रभु ने ये चीज को शिक्षा देने के लिए उन्होंने सन्यास उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करते हुए एक आदर्श सन्यासी को उन्होंने जीवन में आदर्श सन्यासी को उन्होंने स्थापन किया है, हैं? इसलिए पहले परंपरा के सकल जगते का आख्यान सुनिया सचिर देह नाही रहे प्राण, सब लोग तो दुखी है महाप्रभु सन्यास लेंगे, यहाँ पर कह रहे हैं सबसे ज्यादा दुखी कौन है, कहते सची माँ है, कि वो माँ है ना, माँ बोलते ना मुंह खुल जाता है, माँ बोलते मुंह खुल जाता है, क्यों, कारण क्या, माँ बोलने पर मुंह इसलिए बोलता है भैया जरूर कुछ खाना दे, इसलिए बच्चे को कौन देख करके पता चल जाता है मेरा बेटा भूखा है, कौन, माँ, पैसा से सारा दुनिया पा सकते हो लेकिन पैसे से माँ पिता नहीं मिल सकते हैं, इसलिए ये माँ है ना, इसलिए सची मैया इतने दुखी सुन करके, जैसे मैया के शरीर से तो प्राण जैसे निकल गया है, हैं, और महाप्रभु का सन्यास कथा सुन करके सची मैया तो मुहुर मुहुर क्या हो रही, मूर्छित तो हो रहा है, आंखों से अझोर नयन से मैया की अश्रु की धारा बोल रहे हैं, इसलिए माँ क्या कहती है, बोले ना जाइयो बाप मायरे छड़िया, पाप जीव आचे तोर श्री मोख चाहिया, मैया कहती है ना जाइयो बाप मायरे छड़िया, कहते बेटा तो मैया को छोड़कर मत जाया करो, क्योंकि ये पाप जीव आचे तोर श्री मोख चाहिया, ये जो पाप जो जीवन है
केवल तुम्हारी मुख मंडल को दर्शन करते हुए केवल मैं जिंदा हूँ। इसलिए बेटा तू सन्यासी मत लिया करो। कमल नयन तोर श्री चंद्र वदन, आधर सुरंग कुंद मुकुंद दसन। ये महाप्रभु का रूप का वर्णन कर रहे हैं। बोले कमल नयन तोर श्री सचिन श्री चंद्र वदन। महाप्रभु का आंख कैसे है? बोले कमलाय धक्ष, कमल जैसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी महाप्रभु की आंख है। कहते मुख कैसे है? उदाहरण देते हैं श्री चंद्र वदन। इसलिए बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल। इसलिए कहते अधर सुरंग कुंद मुकुंद दर्शन। इसलिए अधर एकदम लाल रंग की, और वहां प्रकाशी कृष्ण का एक नाम मुकुंद है ना। मुकुंद मतलब क्या है? बोले कुंद पुष्प ईव। कहते कुंद पुष्प जैसे जिनके दांत है, इसलिए कुंद फूल जब खिल जाता है क्यों कैसे होता है एकदम सुंदर। कुंद फूल जो खिलता है बड़े सुंदर लगता है। इसलिए भगवान का जो हसी है कैसे है? कुंद पुष्प जैसे। इसलिए उनका एक नाम मुकुंद। और ये अर्थ क्या? बोले मुक्ति ददाति जैव मुकुंद, जो मुक्ति को देने वाले हैं। और मुक्ति सुखम उत्सित कृत्वा जो प्रेमानंदम प्रदाति थी मुकुंद, मतलब जो मुक्ति सुख को तुच्छ करके जो प्रेमानंद को जो प्रदान करती है उनका नाम मुकुंद है। इसलिए कहते हैं बोले प्रभु तुम्हारे जो दांत है ना कैसे कुंद पुष्प जैसे है, सुंदर तुम्हारी दांत है। बोले अमिया बरीखे जेना सुंदर बचन, ना देखी बांची वकी से गजेंद्र गमन। कहते महाप्रभु अमिया बरीखे जेना सुंदर बचन। महाप्रभु जो बोली बोलते हैं कृष्ण की, कृष्ण की बोली कितने सुंदर है, बड़ी मीठी। राधा रानी को तो उससे जीत कर गई, लेकिन अब ये दोनों मिल करके महाप्रभु तो कितना सुंदर होगा। इसलिए कहते महाप्रभु का बोली कैसे है? बोले बड़े सुंदर जैसे अमिया बरी के, मतलब महाप्रभु जब कोई वाणी बोलते हैं ऐसे लगता है जैसे अमृत बरस रहे, अमृत की झरी जैसे बह रही है। और इसलिए कहते नादे की बाची वो के गजेंद्र गमन। महाप्रभु जो चाल है, बोले क्या चाल, साल अलबेली है गजराज थले मस्त मस्त है। इसलिए जब कृष्ण जब चलते हैं महाप्रभु का चाल कैसे है? कहते गजेंद्र गमन है, हाथी जैसे चलते हैं है। इसलिए गजेंद्र एक हाथ जो चाल है, कहते घोड़ा चाल भी है, और एक इतने जो हंस चाल है, और एक गजेंद्र हाथी का चाल है, है? अलग अलग चाल है। इसलिए उसे स्त्रियां जो होती है ना, स्त्रियों का अलग अलग स्वरूप बताया चाल, स्त्रियों की जो चाल को बहुत तरह का चाल बताया। लेकिन जो गज गमनी है, इसलिए राधा रानी का चाल कैसे बताया? गज गमनी, हाथी देखा कैसे चलते, एकदम हिलते हिलते चलते। कहते ये जो चलना है चाल को अच्छी चाल बताया गया है। और कुछ कुछ चलती है घोड़े जैसे, उसको बेकार बताया है। अच्छे नहीं। इसलिए महाप्रभु का जो चाल है, है? महाप्रभु का जो चाल है ना कैसे कैसे है? बोले गजेंद्र गमन। इसलिए कहते हैं मैं कैसे तुमको ये सब चीज को मैं कैसे भूल पाऊंगा? तुम्हारी मिठी बचन, हाथी जैसे तुम्हारी चाल है, इसको नहीं देख करके प्राण कैसे धारण करूंगा? तब सची मैया कहती हैं कि तुम भी संन्यास लेने का क्या जरूरत है? क्या बिना संन्यास लिए हुए घर में क्या भजन नहीं होता है? घर में भजन करो ना, संन्यास लेने का क्या जरूरत है? इसलिए माँ के हृदय है ना, है माँ के हृदय। कहती यहाँ पर अद्वैत है, यहाँ पर नित्यानंद है, गदाधर है, भक्त इतना है, सब घर में इनको लेकर कीर्तन करो ना, इनको लेकर के ये सब घर बार छोड़ने का क्या जरूरत है? इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु को यही प्रश्न किया था। बोले प्रभु आपकी माँ कितनी अच्छी है, कितनी मीठी है, पत्नी कितने सख्यात लक्ष्मी है, सब कुछ अब आने से पहले सब कुछ तैयारी कर देती, इसे घर बार छोड़ने क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? घर में रहकर भजन करो ना। महाप्रभु ने बोले घर में रह करके जो कृष्ण कहते हैं मन मना भव, क्या करो? मन को मुझे दो। घर में रहकर मन मना हो सकता है? शादी किया था आधा पत्नी ले लिया, और दो चार बच्चे हो गए तो जो बच्चा कुचा है ना सब चला गया,
फिर तो दिन रात कैसे पैसा कमाएंगे, अरे बीवी बच्चों को कैसे पालन करके, दिन भर उसकी चिंता है। हैं के मन उपार जीव अर्थ क्या श्लोक ठाकुर ना, हाँ इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं दिन रात चिंता में रहती है कैसे पैसा कमा करके इनको संसार को कैसे हम भरण पोषण करें। फिर रात में तो स्त्री को पास में सोएगा ही, फिर समय कहा तुम भगवत चिंता क्या करोगे, दिन रात तो संसार संसार करते करते क्या भजन क्या करो, भजन क्या करो। इसलिए इतनी आसानी नहीं भजन करना है पूरा के पूरा दिन रात। फिर अगर थोड़ी सभी की सेवा करते करते थोड़ी सी अगर थोड़ी सी कमियां हो गई ना, बस वाह उनका जो गाली गलौज उनको बस हो गया, भजन भजन सब चौपट गया सब। इसलिए यहाँ पर अद्वैत आचार्य जो पूछे प्रभु घर में रह कर क्या भजन नहीं हो सकता, बोले नहीं, जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज के, बोले सन्यास से हो सकता है और किसी को द्वारा ये चीज नहीं हो सकता है। संपूर्ण मन मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुर महाप्रभु जो दिन रात हा कृष्णा बोलते बोलते पछाड़, कब ये व्यक्ति ऐसे कब करेगा, संसार पर आते कर सकता है। इसलिए कहते हार बोलिया गलाए पढ़ी लो समन किंकर साफ, जिसको तुम हार समझ रहे हो हार नहीं साक्षात काल सर्प है, जिसको हार बोलकर गले में धारण कर रहे हो शीतल बोलिया आगुन बोहा लिखाई बजरता, जिसको शीतल समझ कर को शीतल नहीं वो आग है, जैसे पतंग कीड़े होते हैं ना वो आग को समझता है कोई खाने का चीज, छलांग लगाता है जल भून कर खत्म, जल भून कर खत्म। इसलिए बोले है से सुख रवे कवे के न माया बस हवे हराइवे परमार्थ था, थोड़ी सी केवल इंद्रिय सुख के लिए जत मैथुनादि गृह में सुख में तू चौ, जैसे खुजली होता है ना थोड़ी खुजलान में अच्छी लगती है, लेकिन जब खून निकलता है ना मरने का पहले तक वो चीज नहीं छोड़ता है, मरने का पहला तक ये संसार का जो आसक्ति बंधन जिनको नहीं छोड़ता है, हैं सभी के लिए करो सभी के लिए करते हैं लेकिन सभी का गाली सुनो, सभी का गाली सुना सबके लिए करो, अरे ऐसे करते करते खत्म। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हे अद्वैत आचार्य जी इसलिए मैंने संन्यास लिया है, सन्यासी को द्वारा ही कोई व्यक्ति संपूर्ण रूप में भगवान को दे सकता है, नहीं तो भगवान को दे ही नहीं सकता है। इसलिए मैंने ये सन्यास लिया केवल कृष्ण प्रेम में डूबने के लिए केवल मैं सन्यास लिया है, केवल इसी कारण से मैंने सन्यास ग्रहण किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं लोक शिक्षा के लिए बहु स्थाने बहु व्यक्ति मध्य कृष्ण कहाँ, इसलिए जगत में प्रभुपाद कह रहे हैं लोग भगवान कहाँ कैसे मिलेगा, लोग कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर महाप्रभु सन्यास क्यों लिया, लोगों को शिक्षा देने के लिए। अगर वास्तव रूप में तुम कृष्ण को पाना चाहते हो सन्यास लेना पड़ेगा, तब लोगों शिक्षा के लिए मैंने सन्यास किया, सारे आसक्ति को न्यास करके छोड़ करके अपना काय मान वाक्य को दंडित करते हुए इसको कृष्ण सेवा के लिए लगाने के लिए ही महाप्रभु ने ये कलियुग में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है। बोले धर्म बुझाई ते तोर अवतार जननी छाड़ी वे एक कौन धर्म रे विचार, तो भैया कह रही हैं अपनी मातृ स्नेह से क्या कह रहे हैं, बोले धर्म बुझाई ते तोर अवतार, ये अवतार तुम्हारा क्यों, बोले धर्म को समझाने के लिए अवतार हुआ है, लेकिन मैया को छोड़ोगे ये कौन सा धर्म है, अपना मैया को छोड़ोगे ये कौन सा धर्म है, हैं? इसलिए कहते तुम्ही धर्म मय यदि जननी छाड़ीबा के मत जगत तुम्ही धर्म बुझाईबा, कहते तुम तो धर्म मय है अगर तुम ही धर्म सिखाने के लिए आए तुम मैया को छोड़ दिया फिर तो जगत में ये धर्म को फिर तो के मत जगत तुम्हें धर्म बुझाईबा फिर जगत को तुम धर्म के बारे में क्या समझाओगे फिर। इसलिए तुम्हार अग्रज अमा छाड़िया चलीला वैकुंड तुम्हार बाप गमन करीला, पहले तो तुम्हारे बड़े भैया ने साधु लेकर चला गया, उसको बाद में फिर तुम्हारे जो पिताजी थे वो भी परलोक वो चले गए, हैं फिर घर में 16-17 साल की विष्णु प्रिया है, फिर मैं बूढ़ी माता ही हैं इसी उम्र में, हैं इसी उम्र में तुम छोड़ करके सन्यास ग्रहण कर रहे हो। इसलिए इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि जगत को शिक्षा दे रहे हैं जितने तुम जिसको अपना धर्म मानते हो जगत में, जिसको जगत में धर्म मानते हो
लेकिन ये जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवत भक्ति भजन है। इससे बड़ा धर्म जगत में कुछ भी नहीं। महाप्रभु इसी उम्र में छोड़ करके महाप्रभु सन्यास ग्रहण किया, इसी स्थिति में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया है, इसलिए जगत को शिक्षा दिया। लेकिन कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, नहीं हम रहते तो हम संसार में पिता माता को देखते, खरे पिता माता को देखते तो खरे उनको बड़ा करते, ये करते, लेकिन ये देखने वाले कौन है? अगर उनको कोई कठिन बीमारी हुआ कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव कहते थे 36,000 कर्मकांडी ब्राह्मण को भगवान नियुक्त करके रखे। अगर कोई संन्यास भजन करने के लिए कोई आए तो पीछे का काम तुम लोग करना। अरे जब कोई भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए, उसका पीछा काम करने वाले कौन है? ठाकुर जी को करना पड़ता। क्यों? वो व्यक्ति सब छोड़ करके उसकी सेवा में आया है, उसका पीछे का काम कौन देखेगा? ठाकुर जी को, भगवान को देखना पड़ेगा। जैसे नरसिंह भगत, उनका जीवन में कथा आती है, उनके बेटी की शादी है, हैं उनके शादी, कौन शादी कराएगा? बाप तो साधु बन गया, शादी को कृष्ण स्वयं जाते हैं। हम एक हम जब विदेश में गए थे, हमको दिखा रहे थे नरसिंह भगत का जीवन, तुम सोच नहीं सकते, ठाकुर जी स्वयं सावरिया सेठ बन करके उसकी जो बेटी की, जो बेटी को शादी कराने के लिए आई है, उनकी बेटी की बेटी, क्योंकि नरसिंह भगत को निमंत्रण भेजा तो साधु बन गया, नरसिंह भगत को निमंत्रण भेजा तो ये तो साधु ये कहाँ से लाएगा? फिर उनको जो उनका जो बेटी की बेटी शादी हो रही है, जब शादी हो रही है, अभी वो लोग सोच रहे हैं अगर ये नरसिंह भगत साधु बन गया ये क्या देगा? कुछ तो दे नहीं पाएगा, कुछ दे दे पाएगा। अगर वो आएगा ना हमारे जगत में बदनामी होगा। ठीक है बाबा, है जिसकी बेटी की बेटी घर में शादी हो रहा है, तो बड़े घर पैसा वाला घर है, और उसका पिता साधु, एक बदनामी होगा, वो नहीं आए अच्छा ही है, वो नहीं आए तो अच्छा। उसको जो बेटी की जो सास बनने वाली है ना, बोले ऐसे में चिट्ठा लिखू, ऐसे में क्या बोलते हैं, लिस्ट दूंगा, ऐसे में थाली का लिस्ट दूंगा, कभी जिंदगी में दे नहीं सकता है। उन्होंने ऐसे 100 जोड़ी है, एकदम जरी में जड़ी हुई साड़ी, 50 जोड़ी जूता, और सोने की ये, चांदी की ये, बड़ा उन्होंने बड़ा पैसा, उसको देख करके वो आई नहीं, जैसे उसको देख कर जैसे आई नहीं है। इतने में बोले अच्छा ही होगा, नहीं आया अच्छा। लेकिन नरसिंह भक्त तो गया, नरसिंह भक्त नहीं गए, कृष्ण स्वयं और लक्ष्मी स्वयं, माँ लक्ष्मी स्वयं, नरसिंह भक्त का रूप स्वयं कृष्ण धारण किए, कृष्ण धारण किए, और माँ की जो लक्ष्मी माँ स्वयं वहां पर गई, जा करके जब वहां पर गए, वाह वाह रे माँ लक्ष्मी की जब कृपा हुई ना, सोने चांदी की मोहर आकाश झरझर करके झरने लग गई, जो ईंट के सोने की ईंट उसको ऊपर से गिरने लगे, और हीरे जवाहरातों से पूरा भर गया। वो देख देख करके बोले वाह वाह रे, इतने दान दौलत। फिर तो उसकी बेटी की जय जयकार, भगवान ने इसे शादी कराया ना, कहते भैया अरब खराब पति वाले शादी नहीं करा सकते, लेकिन हमारी विश्वास होनी चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं, नहीं हम रहते ना पिता माता को हम देख लेते, बेटा बेटी को हम देख लेते हैं, हम देख लेते, नहीं देखने वाले ठाकुर है। लेकिन अगर हम निष्कपट रूप में सचमुच से हम भगवान की भजन करेंगे, कहते प्रभुपाद का समय में घटना हुई, प्रभुपाद का समय में ये घटना हुई, कोई एक भक्त था, भक्त का बेटी की शादी की बात हुई, लेकिन उन्होंने दीक्षा मंत्र, वो बेटी दीक्षा मंत्र ली हुई है, दीक्षा मंत्र ली हुई था, लेकिन दीक्षा मंत्र ली हुई जब उनके शादी किसी गांव में होने की गए, अभी ये लोग तो मांस मछली खाने वाले नहीं, क्यों दीक्षा मंत्र लिए प्रभुपाद से, है वो बड़े स्ट्रिक नियम है, लेकिन उस गाँव वाले में जो जहाँ शादी होने का था, वो गाँव वाले मांस मछली खाने वाले, बोले हमको तो निमंत्रण दो भोज, हमें मांस मछली खिलाना पड़ेगा। बोले नहीं, हमारे भक्त घर में कहीं परिवार में ये हो रहा है, हम मांस मछली खिला नहीं सकते। बोले नहीं तो तुम्हारी शादी विवाह भी नहीं आएगी। फिर तो वो बड़ी चिंता में पड़ी गई, कोई नहीं आगत गया, फिर उन्होंने मना कर दिया, आपका बेटी को साथ में हम शादी नहीं करवा सकते। ये बात प्रभुपाद के पास में आया, प्रभुपाद सुन करके बोले कोई चिंता मत करो ठाकुर जी, तुम्हारी बेटी को बहुत इससे भी बढ़िया स्थान में शादी करा देंगे, सचमुच से उससे, और धनी परिवार में, बहुत अच्छे परिवार में आदर करके ये बेटी को लेकर गए। वो देख देख आश्चर्य हो गए, बहुत बड़े घर में अपनी आप सगाई हुई और अपनी आप वहां पर लेकर गए।
जब हम भगवान की भक्ति भजन करेंगे ना, अगर सचमुच से हम भक्ति भजन करें, भगवान स्वयं कहते हैं उसको पीछे सारे दायित्व तो मेरे ऊपर आ जाता है, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए सब कुछ। इसलिए भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास करते हुए उनके निष्कपट रूप में हमें भक्ति करनी चाहिए, भजन करनी चाहिए। इसलिए बोले तो माँ देखी सकल संताप पास पासरिलो तुम्हें गले प्राण मोई सर्वदा छाड़ी मो। कहते तुमको देख करके बेटा साधु बन गया, पिताजी चले गए, केवल तुमको देख करके ही मैंने सारे दुख कष्ट को मैंने भूल गया हैं। लेकिन अगर तुम अगर चली जाओगे फिर बताओ कैसे भी प्राण तो मेरा चली जाएगी, प्राण मेरी चली जाएगी। विवर्ण हिला सची अस्थिर चर्म सार सोकाकुल देवी देवी किछो ना करे आहार। भैया जसोदा महापुरुष सन्यास बन जाएंगे सुन करके, उनका जो केवल शरीर में शरीर विवर्ण हो गया और केवल अस्थि चर्म केवल शरीर रह गया, दिन रात मैया रो रही हैं और उनने ऐसे करते करते मैया कहते आहार भी त्याग दे दिया हैं। तब महाप्रभु जो मैया की ये स्थिति देखा, अरे महाप्रभु अपना माँ के पास में, अरे जा करके महाप्रभु निभृत बसिया किसी गुप्त कथा करें। बोले मैया आज तुमको एक गोपनीय कथा में बोलो, आओ मेरे साथ। अरे मैया सची को लेकर के एक एकांत स्थान में गए, एकांत स्थान में जा करके हैं कहते मैया प्रभु बोले माता तुम्हें स्थिर कर मन सुनो, जब तक जन्म आमी तुम्हार न जा। कहते केवल इसी अवतार में मैं तुम्हारे बेटा बना, ऐसे नहीं, ऐसे कितने अवतार हुआ है, हर अवतार में तुम मेरी माँ बन करके आती हो हैं, हर जन्म में ही तुम माँ। बोले कौन सा? बोले प्रश्नि प्रश्नि सुतपा है, उन्होंने जो देव की वसुदेव रूप में जो आए कहते कृष्ण सुतबा उस समय में तुम्हारी कृष्ण बन करके आया था, तेरे मेरे बेटा बन करके आया था। जब स्वर्ग में तुम अदिति हो, तुम ही अदिति स्वर्ग में, मैं बामन रूप में तेरे गर्भ से बामन रूप में आया और तुम्हें माता देहूति है देहूति कपिल देव बोले देहूति रूप में तुम आया और मैं कपिल रूप में आया, तेरे को मैंने सारे दिव्य ज्ञान मैंने तुमको प्रदान की माँ है। फिर कितना नहीं, जब मैंने राम रूप में आया तो कौशल्य बन कर गया, उसी अवतार में भी मैं तुम्हारा बेटा बना था। फिर जब देवकी तुमने जब देवकी बनी फिर मैं कृष्ण बन करके आया, तुम ही देवकी बनी हुई थी। फिर मैंने आर दुई जन्म माँ और दो मेरा जन्म है, एक अर्चा अवतार में और एक नामा अवतार में मेरा अवतार होने वाला। जब मैं नाम रूप बनूंगा उस समय तुम जीवा बन करके आओ, जीवा रूप में है, जो हम जीवा में जैसे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये जीवा में तो प्रभु का नाम लेते हैं ना, इसलिए तब नाम का माँ कौन हो गया? जीवा हो गया है। इसलिए माँ ये जीवा रूप में तुम आओगी और नाम रूप में मैं आऊंगा माँ, और तुम्हें मोर अर्चा मूर्ति है, मैं अर्चा विग्रह रूप में फिर जगत में आऊंगा। इसलिए माँ ये मत समझो केवल इसी अवतार में मैं तेरा मैं है निमाई बन करके आया हूँ, नहीं, हर अवतार में ही तू मेरी माँ हो और हर अवतार में मैं तेरा बेटा बन करके आता हूँ। इसलिए भैया कोई चिंता मत करो, ये तुमको ये निष्कपट रूप में इसको बताया मैंने, जब उसे बताया फिर इसको सुन करके माँ के मन में जो दुख कष्ट हो रहा था थोड़ी सी मैया के मन में तसल्ली मिला, थोड़ा सांत्वना मिला है। फिर हम कल सुनेंगे महाप्रभु कैसे सन्यासी ग्रहण कर रहे हैं, है सन्यासी लेकर कैसे महाप्रभु जाएंगे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, पंचाकल दुर्भेश कृपा सिंधु बच्चो नाम पावने को वैष्णव को नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोलो। हरे कृष्ण कृष्ण।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Bolo Hare Krishna और ग्रह